हेलो गाइस, दिस इज विजेंद्र कुमार पाल और आप देख रहे हैं दिस हिंदुस्तानी। तो आज हम आपको बताएंगे कि मैं किस कंपनी में काम करता हूँ और मेरे कंपनी में क्या काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि मैं एक एक्सपोर्ट हाउस में काम करता हूँ और ये हमारा एक्सपोर्ट हाउस है जो सिर्फ लेडीज़ के गारमेंट्स बनाता है और ये गारमेंट्स जो हैं हम फॉरन एक्सपोर्ट करते हैं। तो मेरी कंपनी का नाम है रिचाइन कंपनी। तो शुरुआत होती है सबसे पहले एक स्टाइल लॉक होने की। स्टाइल उसको बोलते हैं, जैसे कि मान लो एक ये शर्ट है, अगर ये शर्ट की कोई हमारे पास ऑर्डर आया कि हमें ये शर्ट बनवानी है या फिर यहाँ से एक्सपोर्ट करानी है, तो इसको एक नंबर दे दिया जाता है, जैसे कि 4210, मतलब कुछ भी दे देंगे। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है सबसे पहले ऑर्डर से। तो हमें ऑर्डर, हमारी जो कंपनी है जो जहाँ पे डिज़ाइनिंग टीम है वहाँ पे ऑर्डर आता है कि हमें ये जो शर्ट है, एग्ज़ाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं, कि जैसे ये शर्ट है, हमें इस शर्ट के इतने पीसेस इतने कंट्री के लिए इस साइज़ में चाहिए। तो जैसे ये बुक होता है, जैसे ये मतलब बुक होती है शर्ट मतलब स्टाइल, तो हमारी कंपनी करती है सबसे पहले मिल को जो है, जो कपड़े छापते हैं जिनका काम है, उनको ऑर्डर देता है कि हमें इतने मीटर कपड़ा चाहिए। तो उनका ही तो कम से कम इसको होने में एक महीना लग जाता है कपड़ा छप के आने में बल्क वाला, लेकिन 3-4 दिन में ही वो हमें एक FOB दे देते हैं। FOB बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये एक पूरा थान आया है, देख सकते हैं आप, ये थान कितने, ये थान 59 मीटर का है और इसका स्टाइल नंबर 1304, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले ही हमारे पास ये थान आया था, फिर उस थान में से हमने एक ये देखने के लिए कि इससे कलर में डिफरेंस तो नहीं है, तो उसके लिए हमने एक टुकड़ा काटा था और काटने के बाद उसके 4 टुकड़े किए थे। तो 4 टुकड़े करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको सिल देते हैं। इस तरह से दिखाता हूँ मैं। तो ये सिलने के बाद क्या होता है कि हमारा जो कपड़ा है उसमें से हम 4 मीटर का टुकड़ा काट के और अपने मर्चेंट को दे देते हैं, जिससे वो क्या होता है कि वो 2 मीटर कपड़ा अपना काट के धुलवा के देखता है कि इसमें कुछ कलर डिफरेंस तो नहीं आ रहा धुलने के बाद। तो वो क्या करते हैं, मर्चेंट अपना जो उन्होंने वॉश कराया है, ऑन वॉश कराया है, उसका एक फॉर्म होता है, वो बना के वो लोग सबमिट करते हैं बाइंग एजेंसी में। बाइंग एजेंसी ऐसी एजेंसी होती है जो कि बायर और जो हम लोग हैं उनके बीच में एक मीडिएटर है, जो कि हम पे ध्यान रखता है कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ढंग से। तो सबसे पहले क्या करेंगे वो लोग, इसका जो है जो 2 मीटर टुकड़ा उन्होंने धुलवाया था उसको काट के एक रिटर्न स्क्वायर की शेप में बना के और वो बाइंग हाउस को भेजते हैं अप्रूव कराने के लिए। अगर ये अप्रूव हो जाता है उसके बाद बल्क कपड़ा छप के आना शुरू हो जाएगा। देखिए इस तरीके से सिल दिया जाता है और इन पे नंबर दे दिया जाता है, जैसे कि 3142। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमने कपड़ा ऑर्डर में लगाया है। तो अब तो ये सिलने के बाद अब हम देखते हैं जहाँ से हमने ये जोड़ा है इसमें कोई कलर डिफरेंस तो नहीं है इसके और इसके बीच में। तो देख सकते हैं आप, इसमें ऐसा कोई खास नहीं है। तो जब हमें ये पता लग जाता है कि इसमें कुछ खास नहीं है, तो इसके बाद क्या करते हैं हम, तो अभी हमारे कंपनी में मतलब मद्दा चल रहा है काम, उसकी वजह से माल है नहीं कुछ चेक होने को। तो थोड़ा बहुत माल है जो चेक कर रहे हैं लोग, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये देखिए, ये हमारे यहाँ का डिपार्टमेंट है जो कि कहते हैं चेकिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पर कपड़े बंडल हो के आते हैं, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे ये, तो यहाँ पे उनको चेक किया जाता है। देखिए किस प्रकार से चेक किया जा रहा है कपड़ा। तो ये हमारे यहाँ के चेकर हैं जो कि कपड़ा चेक करते हैं, इनका नाम शारदा जी है और ये इस कंपनी में कम से कम 30 साल से काम कर रहे हैं। देखिए किस तरह ये कपड़ा कर रहे हैं। इस कपड़े में कई तरीके की खराबी आती है, जैसे कि स्लॉब, स्टेन, ये देखिए ये यान पुल है, ये